विद्यालय निःशुल्क शिक्षा का केंद्र है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको सत्य कुशल मूल रूप यहाँ पे देने की कोशिश होती है। इस विद्यालय के बच्चों के नामांकन के हिसाब से यह सचिव पर्याप्त संख्या में शिक्षक है और पूरी की पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को समय दिया जाए, योजनाओं का लाभ लिया जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप गुमराह होने से अपने को रोक नहीं पाते हैं तो इसी विद्यालय में आप जाने को विवश होते हैं और जाते भी हैं। ऐसे भी अभिभावक हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक झगड़ों की वजह से, घरेलू झंझा और बातों की वजह से, ना समय बच्चों को देने की वजह से और तुच्छ चिंतन की वजह से तीन तीन वर्ष तक इसी विद्यालय में बच्चों का नाम रखा और बच्चों ने हमारे शिक्षकों ने पूरा प्यार, पूरी आजादी, स्वतंत्रता के साथ उन्हें पढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि वार्षिक परीक्षा से पहले उन्होंने किसी निजी विद्यालय में दाखिला करा लिया। जो लोग कपड़े की तरह स्कूल बदलते हैं वो संस्कारों की कीमत नहीं समझते, वो अनुशासन की जो पाठशाला है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे बड़ा विषय है कि आप को पहले विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि अगर दैवज्ञ बनता है, ब्रह्म ऋषि बनता है तो सबसे बड़ी चीज है खुद पे विश्वास, फिर दूसरा गुरु के ऊपर विश्वास और फिर तीसरा ईश्वर के ऊपर विश्वास। और जिसके पास ये तीनों विश्वास की कमी है उसको कोई भी सांसारिक और आत्मिक उपलब्धि नहीं मिल सकती। जो गुरु के ऊपर बिना सोचे समझे आक्षेप लगाते हैं उनको तो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। इसलिए पहली बात यही है कि आप विद्यालय परिवार शिक्षकों के ऊपर विश्वास करते, आपका विश्वास बड़े बड़े डॉक्टर हैं पुड़िया दे देते हैं आदमी ठीक हो जाता है, बड़े बड़े नीम हकीम है फर्श बांध के दे देते हैं वो जमीन की मिट्टी होती है आप ठीक हो जाते हैं। आप ठीक उससे नहीं होते, आप अपने विश्वास नहीं। पहली चीज यही है कि आप स्वयं पे विश्वास करना सीखें, विद्यालय परिवार पे विश्वास करना सीखें। तो आज की जो हमारी एजेंडा जो है वो पहला एजेंडा यही है कि आपका विश्वास, क्षेत्र का विश्वास, माताओं का, बहनों का विश्वास, विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों के ऊपर भरपूर मिले, आपका प्रेम और सहयोग विद्यालय को मिले और हमारा विद्यालय ऐसे ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए। हम बात कर रहे थे जीवन की इस पाठशाला में जो कि कई अवस्थाओं से गुजरते हैं उसमें बेबी हूड है, प्री चाइल्ड हूड है, 3 से 6 वर्ष की जो शाला है वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में श्रीमती कलावती सिंह और लता मैम के पास है। इसके अलावा इनकी एक सहायिका भी है, वो भी अपना निश्चल मन से विद्यालय को सहयोग देती है। 20 वर्ष पहले आपने इस विद्यालय को अंगीकार किया, वर्ष 2004, आज वर्ष 2024 है। जिस पौधे को इन्होंने शुरू में बीजारोपण किया था वो वयस्क हो चुका, एडल्ट हो चुका। अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो 30 साल इस भवन को यहाँ पे जितने भी चेतन अचेतन प्राणी है आपने दिया है, तो हम लोगों के हमेशा आपने मार्गदर्शन किया है, बड़े से बड़े अधिकारी है और आप एकदम कड़ी गए, आप कभी विचलित नहीं होती थी और आपका जो इन डॉक्यूमेंटेबल बिल है आपकी जो अतुलनीय इच्छा शक्ति और स्प्रिट है उससे हम लोग प्रेरणा प्राप्त हो, चाहे क्षेत्र के विषय में हमारे शिक्षकों का मार्गदर्शन, चाहे मेरा खुद का अवलोकन, आपका हमने हमेशा जो है एक आयरन लेडी के रूप में देखा है और हम आज आपकी विदाई करते हुए भी विदाई का विषय ही गंभीर विषय होता है। लेकिन हमें खुशी है कि जो शिक्षक होता है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। शिक्षक लर्नर और एजुकेटर के दो पायों के बीच में ढूंढता है और शिक्षक जो जैसे एक वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होंगी वो वृक्ष उतना ही विशाल होगा। तो हम लोग जीवन भर बच्चों को शिक्षा देते हैं लेकिन बाद में जो अनुभव रहता है वो हमारे पीढ़ी के काम आता है। तो हमें आशा ही पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में
जब आप भले ही हमारे विद्यालय के प्रांगण से बाहर रहेंगे लेकिन हमारे जीवन से बाहर नहीं रहेंगे। आपका समय समय पर मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और विद्यालय परिवार आपकी जो पहचान है उसको हमेशा आवश्यकता महसूस करता रहेगा।